तो मणिपुर से मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला बोला है, निशाना साधा है और कहा है कि मोदी मणिपुर नहीं आते हैं, पीएम सिर्फ लक्षद्वीप जाते हैं। मोदी की तानाशाही शुरू हो गई है, संसद में सबको बाहर करके वो काम करते हैं, ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है। मुसीबत के वक्त भी लक्षद्वीप घूम रहे हैं, मोदी वोट के लिए मणिपुर आते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन मुसीबत के वक्त वो लक्षद्वीप घूम रहे हैं, ये कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। एक डिक्टेटर एटीट्यूड या हमारे देश में चल रही है। अरे डेमोक्रेसी में हम सब लोग इलेक्ट होके आए हैं, वो भी इलेक्ट होके आए, लेकिन डेमोक्रेसी को खत्म करने की काम वो लोग कर रहे हैं। और खास करके राहुल जी, मणिपुर के लोगों को न्याय दिलाना चाहते हैं। वो खुद आए यहां पर, लोगों से मिले, लेकिन क्या मोदी जी आके आपसे मिले? आए नहीं आए? अरे वो समुन्द्र के बाहर फिरते हैं, समुन्द्र के अंदर जाते हैं, मणिपुर में नहीं आ सकते? आज आप तो जप मार रहे हैं, उन्हों राम राम सत्य है, इसका करना दो पाप बेचारे को, जितने भी पाप किए हैं वो धोखे जाने के। और इसी कार्यक्रम में इस वक्त राहुल गांधी बोल रहे हैं, उनकी बात आपको सुनाते हैं। मैं जानता हूं कि आप सुबह से यहां बैठे हो, दिल्ली में फॉग के कारण हमारी फ्लाइट खड़गे जी की फ्लाइट डिले हो गई, इसीलिए हम समय पर नहीं आ पाए। आप सबको कष्ट हुआ, इसके लिए मैं आप सबसे शुरुआत में ही माफी मांगना चाहता हूं। उनतीस जून को मैं मणिपुर आया था और उस विजिट में जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, मैंने कभी पहले नहीं देखा था, नहीं सुना था। 2004 से मैं राजनीति में हूं, पहली बार मैं हिंदुस्तान के एक प्रदेश में गया जहां गवर्नेंस का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया था, जिसको हम मणिपुर कहते थे। 29 जून के बाद वो मणिपुर रहा ही नहीं, बट गया, कोने कोने में नफरत फैली, लाखों लोगों को नुकसान हुआ, भाई बहन, माता पिता आंखों के सामने मरे। और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर में आपके आंसू पोंछने, आपसे गले लगने, आपका हाथ पकड़ने नहीं आए। क्षम की बात, शायद नरेंद्र मोदी जी के लिए, बीजेपी और आरएसएस के लिए मणिपुर हिंदुस्तान का भाग ही नहीं है। आपका जो दुख है, आपका दर्द है, वो उनका दुख उनका दर्द नहीं है। पिछले साल हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम चले, 4000 किलोमीटर चले,
भारत को जोड़ने की हमने बात की, नफरत मिटाने की बात की, एक धर्म को एक जात को दूसरी जात से मिलाने की बात की और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। लाखों लोगों से बातचीत की, उनका दर्द सुना, मुश्किल था मगर बहुत अच्छा लगा। लोगों ने कहा कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा की है तो फिर ईस्ट से वेस्ट भी यात्रा होनी चाहिए, और मैं चाहता था कि जैसे हमने पैदल यात्रा की कन्याकुमारी से कश्मीर, वैसे ही हम ईस्ट से वेस्ट पैदल यात्रा करें। मगर चुनाव का समय है और उसमें हमें थोड़ा ज्यादा समय लगता, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने हमने निर्णय लिया कि ये बस यात्रा होगी, हाइब्रिड यात्रा होगी, बस यात्रा होगी, पैदल यात्रा होगी। सवाल उठा कि यात्रा शुरू कहां से होनी चाहिए। कोई लोग कह रहे थे कि वेस्ट में शुरू होनी चाहिए, कोई कह रहे थे ईस्ट में शुरू होनी चाहिए, और मैंने साफ कहा कि अगली भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ मणिपुर से ही शुरू हो सकती है और कहीं से नहीं शुरू हो सकती। मणिपुर बीजेपी की जो राजनीति है, बीजेपी की नफरत, आरएसएस की नफरत, उनका जो दृष्टिकोण है, उस विचारधारा का मणिपुर एक चिन्ह है। जो आपने यहां खोया, जो मेरे भाई ने बस के ऊपर कहा कि वी हैव लॉस्ट व्हाट इज मोस्ट प्रेशियस टू अस, यू हैव लॉस्ट इट बिकॉज ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ द बीजेपी, बिकॉज ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ द बीजेपी, बिकॉज ऑफ द हेट्रेड दैट द बीजेपी एंड द आरएसएस स्प्रेड इन द पॉलिटिक्स। आई वॉज लिसनिंग टू माई ब्रदर व्हेन ही वाज सेइंग वी हैव लॉस्ट व्हाट वी वैल्यू, एंड आई वॉज थिंकिंग टू माई सेल्फ, Yes, you have lost what you have valued, but we will find what you valued once again and bring it back to you. We understand, all of us on the stage understand the pain that the people of Manipur have been through. We understand the hurt, the loss, the sadness that you have been through, and we promise you, we commit to you that we will bring back what you valued, we will bring back the harmony, the peace, the affection that this state has always been known for. Question arises, why Nyay Yatra? Because we are going through a period of great injustice in India. Social, economic, and political injustice. Injustice against the people of Manipur, the traditions of Manipur,
but also injustice across the nation. Economically, monopolies are being built. Few people are getting access to all the wealth of the country. One or two businesses have their fingers in everything, and the large majority of businesses, small and medium businesses, are being destroyed. Huge level of unemployment, massive price rise is what the whole of India is facing. On the social side, the large mass of India's people, the lower castes, Dalits, tribals, simply do not have a say in the governance system of the country. I have given example upon example of how the large mass of our people are excluded from the political system, from the governance system. Z News.